नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। बिहार राज्य किसान सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर मधेपुरा सीपीआईएम कार्यालय शहीद चुराहे चौक पर किसानों के द्वारा किया गया प्रदर्शन। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के राष्ट्रीय कमेटी सदस्य से किसान नेता कॉमरेड गणेश मानव ने कहा कि आज बिहार सरकार और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कोरोना वायरस हर रोज बढ़ रहा है, सरकार उस पर ध्यान न देकर चुनाव अभियान में लगा हुआ है। इस स्थिति में सबसे अधिक हालत किसान की खराब है। इस प्रदर्शन में हम किसान मांग करते हैं कि सभी को निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था, आगामी 6 माह तक प्रत्येक व्यक्ति 10 किलो अनाज, इनकम टैक्स की परिधि में आने वाले प्रत्येक परिवार को 6 माह तक 75,100 रुपए भुगतान तथा मनरेगा में हर व्यक्ति को 200 रुपए प्रतिदिन दिया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। आइए सुनते हैं उपस्थित किसानों से उनकी मांगों के बारे में। समर्थन कर रहे हैं हम लोग, भारत का छात्र फेडरेशन SFI जिला कमेटी मधेपुरा से हम लोग इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। साथ ही साथ सरकार से मांग करते हैं कि आज जो परिस्थिति है छात्रों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, इस महामारी में न कोई पढ़ाई की व्यवस्था है, न छात्रों को कोई तरह किसी तरह का सुविधा मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग आज आंदोलन है। आज हम लोग जो है बिहार राज्य किसान सभा, खेतिहर मजदूर यूनियन और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति को समर्थन करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, SFI जिंदाबाद। भारत में अधिक से अधिक और बिहार में खास करके मधेपुरा जिला में आज कोरोना की मार से सभी त्रस्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, यहाँ जो हॉस्पिटल है कर्पूरी ठाकुर जो हॉस्पिटल है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ तक कि जो सरकारी अस्पताल भी है वहाँ पर भी कोरोना के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और सीधे भारत सरकार और राज्य सरकार जो है वह प्राइवेट जो डॉक्टर हैं जो अच्छी कमाई करते हैं उनके व्यवस्था में दे दिया है कि वो पैसा लूटे और लोगों की जान की रक्षा नहीं कर सके। इसलिए हम भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अधिवक्ता संघ की ओर से मांग करते हैं कि इस कोरोना की इलाज के लिए जिला अस्पताल में व्यवस्था हो, और यहाँ जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कोरोना के इलाज के लिए सही सही व्यवस्था हो, बेड की व्यवस्था हो, सारा सबका इलाज। आज किसान सभा के द्वारा पूरे भारत में किसानों के समस्या के समाधान हेतु यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आज मधेपुरा में कोरोना का असर पूरे मधेपुरा में फैल रहा है, बिहार और भारत दुनिया में फैल रहा है। सरकार जो है इसके लिए कुछ सोच नहीं रही है, वो केवल वर्चुअल रैली कर रहा है और चुनाव प्रचार कर रहा है। इधर आदमी मर रहा है, उधर नीतीश और मोदी दोनों वर्चुअल रैली कर रहा है। इसीलिए किसान सभा बिहार राज्य कमेटी इसका विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि प्रत्येक आदमी को महीना में 10 किलो अनाज दो और 6 महीना तक देते रहो, और 7,500 रुपया महीना सबको दो, और मजदूरों में जो मनरेगा का मजदूर है उसे 300 रुपया 6 महीना तक रोज दिया कीजिए, और इसके बाद जो है निर्माण कामगार मजदूर यूनियन है उसके लिए भी हम मांग करते हैं कि जो निबंधित मजदूर है उसको उसके खाता में पैसा आवे और उसकी सारी व्यवस्था कीजिए। और हम लोगों का जो ये बालमगढ़िया पंचायत है मधेपुरा प्रखंड अंतर्गत, इसमें जो महादलित के घर को उजाड़ कर सड़क बनाया जा रहा है, ये बिहार राज्य किसान सभा हम उसका विरोध करते हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि उस महादलित को अलग घर बसा करके अलग से सड़क नहीं बनाता है। गणेश मानव, CPIM राज्य कमेटी सदस्य बिहार और किसान नेता मधेपुरा। इनकलाब जिंदाबाद।